भी बढ़िया है, लेकिन खतरा तब बनेगा जब एक स्प्लिट पे अटैक आएगा, एंड अटैक आ रहा है। ओजी की टीम फिलहाल रश करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है कि इसी के साथ साथ एक और नॉकआउट भी मिल जाएगा। एकेओपी ही इज गोइंग बोकस राइट नाउ, बिकॉज हर एक डायरेक्शन में वो फिलहाल के लिए चेक कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। फिलहाल एक और प्लेयर को यहाँ पर कंफर्म किया गया है, हैदराबाद हाइड्रास, व्हाट हैव यू डन, इतना बढ़िया स्प्लिट एंड चिकन डिनर नाक के नीचे से आई बिलीव ओजी की टीम लेके जा सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या गया, हर तरफ एडियस कर रहे और एक नॉक अपने साथ लेके आ रहे अपनी टीम के लिए। तो काफी अच्छा रोल उन्होंने अभी तक अदा किया, बट स्ट्राइकर अभी भी अपने आप को संभाल के रखे, पैराडॉक्स भी अपने आप को रोक के रखना चाहिए, क्योंकि जानते हैं एक ही पॉइंट फिनिश में इन्हें मिला है, तो एटलीस्ट 12 पोजीशन पॉइंट का तलाश तो यहां से उन्होंने जरूर से करने की ट्राई में है। बट स्ट्राइकर भी मानो रुक चुके, सर्कल में आप देखिए तो दोनों ही सोलो प्लेयर बाहर हो चुके और ओजी के गिरफ्त में, मानो इनके हाथ में ये मैच आ चुका है, जस्ट इनको ट्राई करना कि यहां से कोई गलती ना हो सके। पैराडॉक्स की बात करें तो सर्कल के बाहर हो चुके, प्ले जोन के बाहर हो चुके, 5 हेल किट है इनके पास जिसको ओपन करना स्टार्ट कर चुके, ज्यादा वक्त इन्हें नहीं मिलेगा। पहचान कौन को स्पॉट कर चुके, क्या वो हेल्थ रिकवर करने के बाद ओपन में आ सकते। स्ट्राइकर की बात की जाए, केवल एक ही हेल्थ किट इनके पास बची हुई, तो एलिमिनेट स्ट्राइकर बहुत जल्दी से शायद हो जाए। पैराडॉक्स रोक के अपने आप को जो रख रहे 12 पोजिशन पॉइंट, मुझे लगता है उन्हें मिलने के काफी ज्यादा चांसेस। स्ट्राइकर की बात करें तो बाहर आएगी, स्प्रे करने की कोशिश, डैमेज काफी ज्यादा, फिनिश पॉइंट अपोनेंट को नहीं देंगे। तो आरएनटी की बात की जाए तो पैराडॉक्स दूसरे पोजीशन पे अपनी टीम को लेके आ चुके हैं, खुद पे मौली कर ली जाएगी। तो इसी के साथ पहले मैच के